हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मूर्ख बुनकर। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक बुनकर रहता था। वह दिन रात कपड़ा बनाने में मेहनत किया करता था। एक बार उस जुलाहे के सारे उपकरण टूट जाते हैं। उन उपकरणों के लिए उसे लकड़ियों की जरूरत पड़ती है और वह उन्हें लाने के लिए जंगल चला जाता है। जंगल में जाकर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसकी लकड़ियाँ सामान के लिए अच्छी थी। वो उन्हें काटने के लिए तैयार होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है और फिर वह उस ओर देखता है। अरे ये कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? इस सुनसान से जंगल में ये कौन आ गया है? वह आवाज की दिशा में मुड़कर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता और फिर वह अपने काम में लग जाता है। जैसे ही वह फिर से कुल्हाड़ी उठाता है तो उसे फिर से आवाज सुनाई देती है तो वह उस दिशा की ओर फिर से देखता है। एक देव की आकृति में एक पुरुष खड़े हैं। वह उनसे उनका परिचय मांगता है। आप कौन हैं और इस घने जंगल में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप अपना नाम बताएंगे? मैं इस वृक्ष का देव हूँ और यहाँ पर आराम करता हूँ। मुझे यहाँ पर रहते हुए कई साल हो गए हैं और आने वाले कई सालों तक मैं इस वृक्ष पर आराम करूँगा। तुम इस वृक्ष को क्यों काटना चाहते हो? महाराज, आप जो भी देव हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं एक साधारण सा बुनकर हूँ जो कपड़ा बुनकर अपने परिवारों का भरण पोषण करता हूँ। जिस उपकरण से मैं कपड़ा बुनता हूँ वह उपकरण टूट गया है, उसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप किसी और पेड़ पर जाकर अपना निवास बना लें। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ और तुम्हारे विचार तुम्हारे परिवार के लिए कितने अच्छे हैं, इसलिए तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो, तुम्हें वही मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे एक दिन का समय मांगता हूँ। उस एक दिन में मैं अपने परिवार से सलाह मशवरा करके आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। इस एक दिन में तुम्हें जिससे बातचीत करनी है कर लेना। मैं तुम्हें कल इसी समय मिलूंगा। कल फिर तुम आ जाना और जो चाहे वरदान मांग लेना। बुनकर गांव में जाता है। वहां उसे अपना मित्र नाई मिलता है जिसे वह सारी बात बताता है और उसे पूछता है। बता यार, मुझे ऐसे समय में क्या करना चाहिए? यार मेरी राय मान, उससे तू एक राज्य मांग ले, मैं उसका मंत्री बन जाऊंगा और हम दोनों राज करेंगे। तब बुनकर ने नाई से अपनी पत्नी से सलाह मांगने की बात कही तो नाई ने उसे मना कर दिया और कहा, मेरी बात मान, स्त्री हमेशा ही स्वार्थी होती है और वो अपने सुख के अलावा किसी की नहीं सोचती, उन्हें कोई और नहीं भाता है, इसलिए तू उसे ये मत कहना। लेकिन बुनकर ने अपनी पत्नी से सलाह मांगे बिना कुछ भी न करने का निश्चय किया और वो घर जाकर अपनी पत्नी से सलाह मांगता है और उसे नाई की सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर वो अपनी पत्नी से पूछता है, अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और उस देवता से क्या मांगना चाहिए। देखो, मेरी सलाह यही है कि तुम उससे राज्य मत मांगो, क्योंकि हमेशा राजा को ही कष्ट मिलता है और ऐसे सुख से क्या लाभ जो कष्टों से भरा हो। तुम राजा राम और राजा नल के बारे में तो जानते ही हो ना, उन्होंने कैसे राजा बनकर कष्ट पाया है। तो तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या मांगूं? तुम उन देव से अपने लिए दो हाथ और मांग लो। जितने हाथ होंगे तुम उतना ही कपड़ा बना पाओगे और फिर तुम्हें कितना काम मिल जाएगा। तुम्हारे अभी इसी काम से हमारा भरण पोषण हो जाता है,
फिर जब तुम्हारे चार हाथ होंगे तो तुम और भी ज्यादा कमाओगे। अगले दिन बुनकर ऐसा ही करता है और वो जाकर उस देव से बात करता है और कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी मेहनत से ही सब कुछ पाना चाहता हूँ और फिर भगवान ने ये शरीर मेहनत करने के लिए ही दिया है, इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप मुझे दो हाथ और दो सर दें, जिससे मैं ज्यादा कमा सकूं और पहले की तरह अपने परिवार की खुशियां पूरी कर सकूं। सोच लो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन तुम एक बार अपने निर्णय पर फिर से विचार कर लो। नहीं महाराज, मैंने जो सोचा था वो वरदान आप मुझे दे दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देव उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वो दो सर और चार हाथ वाला पुरुष बन जाता है। लेकिन जब वो अपने गांव जाता है तो उसे सब राक्षस समझ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से विचार करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।